हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज हम अपने खेत में गेहूं काटने आए हैं। गेहूं सारे गिर पड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन काटने तो पड़ेंगे गाइस, क्या करें। पता नहीं कैसे निकले हैं जा साल गेहूं, लेकिन सब गिर पड़े। तो चलिए गेहूं काटते हैं गाइस। Moments late. बना ले दीदी मीठी पुआ। हाँ बेटे, तुम ना वर्तमान बना रहे। जब आए ये फाफड़ा है, और ये पूड़िया है, ये पकौड़िया है जी, ये मिर्ची है। देखो गाइस, मेरी दीदी ने इतने सारे पकवान बना रहे, और मुझे ये खेत से पूजा करो। दीदी काम से एक फायदा है गाइस, हम लोग खेत से आकर तो दीदी सारा काम कर लेती है, आज गेहूं कट गए तो दीदी सब कुछ बना लो। हम जा रहे खेत से पूजा करने, खेत से पूजा करने। तो गाइस देखिए, हम आ चुके हैं खेत में पूजन करने। हमारे यहाँ पे देखो, इस पूजन को ना सिर पूजन कहते हैं। आप कमेंट में बताना कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको। गाइस लो, खा लो मीठे पुए। चलो उधर खाइयो, छाया में यहाँ धूप है। खा ले जल्दी जल्दी, चले घर पे। गाइस आप भी खा लो, आकर आप भी खा लो। हम लोग पूरी नहीं खाओगे? आप नहीं खाओगी? अरे अंबिरा से तुम लोग खाओ। मैं पूरी नहीं खाऊंगी। ठीक है, पूरे तो बहुत मीठे हैं। अच्छे लग रहे? बहुत टेस्टी। बनाए तो तुम्हारी मम्मी ने। गाइस आ जाइए, आप लोग भी खा लो, बच्चे खा रहे हैं। मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं व्रत हूँ, मेरा व्रत है इसलिए। देखो गाइस, पूरे तो खा ली बिटियों ने, पूरी नहीं खा रही, तो पूरी हम गाय को खिला दे रहे। खिला दूं? अच्छी गाय है। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।